देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने ग्राम खदेसर मंजनपुर कौशाम्बी निवासी शैलेश कुमार की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य की ओर से उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने और स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं दबंग लोगों से उनके परिवार को जान माल को खतरा होने के प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत की है। अपनी शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कल मंजनपुर में मौके पर तथ्य ज्ञात किए जिनसे प्रथम दृष्टया शैलेश कुमार के आरोप सही जान पड़ते हैं। शैलेश कुमार के मुताबिक इस प्रकरण में अभिलेखों में हेराफेरी कर भूमि की चौहद्दी बदली गई और इसमें राजस्व कर्मियों का भी हाथ है। इस प्रकार चौहद्दी बदल के एक दूसरी जमीन के नाम पर उनके परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का प्रयास हो रहा है। शैलेश कुमार के मुताबिक पिछले लगभग एक माह से पुलिस प्रशासन और दबंग लोग उनके परिवार पर लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि वह इस मामले से अलग हो जाए। उनके साथ गाली गलौज भी किया गया और पुलिस के अफसरों ने फर्जी मामले में फंसाने की धमकी भी दी। इन स्थितियों में उनका पूरा परिवार अत्यंत ही भयभीत है। अमिताभ ठाकुर ने इसे अत्यंत गंभीर प्रकरण बताते हुए मानवाधिकार आयोग को तत्काल शैलेश कुमार के परिवार की जान माल की सुरक्षा किए जाने और इस मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए उन्हें न्याय दिलाए जाने की मांग की है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। कल मैंने मंझनपुर कौशाम्बी जाकर डिप्टी एसपी केशव मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य द्वारा बगल में दलित परिवार की जमीन को कब्जा किए जाने के प्रकरण की मौके पे जांच की तो पीड़ित पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि भूमि अभिलेखों में छेड़छाड़ कर गलत ढंग से उनकी भूमि को कब्जा किए जाने का प्रयास हो रहा है और इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन भी दूसरे पक्ष का ही पूरा साथ दे रही है जिसके कारण उनके जान माल का खतरा है। इन तथ्यों के मद्देनजर मैंने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर पीड़ित शैलेश कुमार के परिवार को अविलंब सुरक्षा प्रदान किए जाने और मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए न्याय दिलाए जाने की बात कही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।